अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम नया लेक्चर शुरू करेंगे एंड ऑपरेशन। अब हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में कल के लेक्चर में देखा था कि क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स और कौन से लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। तीन लॉजिकल ऑपरेशंस जिनके हमने नाम पढ़े थे वो थे एंड, और नॉट। आज हम उनमें से एक है एंड ऑपरेशन, इसको स्टडी करेंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड ऑपरेशन, सी द फिगर 16.8 in which a lamp is connected to a battery using two switches connected in series such as considered as inputs, two inputs. There are four possible states of these two switches which are given below. अब वो कहता है कि अगर हमने एंड ऑपरेशन एंड लॉजिक ऑपरेशन की वर्किंग समझनी है तो हम एक सर्किट देख लेते हैं। उस सर्किट में क्या है, उसमें एक बैटरी है, वोल्टेज सोर्स यूज हुई है, उसके अलावा एक लैम्प है और दो स्विचेज हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं। सीरीज़ में क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक एंड इसका अगले एंड से कनेक्टेड होता है, मतलब एक एंड बैटरी से और इसके अगले एंड दूसरे स्विच से, ठीक है, ऐसे सीरीज़ में कनेक्टेड है। उसके अलावा वो कहता है कि एक इस यहाँ पर इनपुट जो हमारा है ना, सॉरी जो करंट जो हमारा है वो दो इनपुट से कंट्रोल्ड है या दो स्विचेज से कंट्रोल्ड है। वो कौन से स्विचेज हैं, वो S1 और S2 स्विचेज हैं। अब वो कहता है कि इस केस में लैम्प का ऑन होने की क्या कंडीशन हैं, वो ये चार कंडीशन हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, व्हेन S1 एंड S2 आर बोथ ओपन द लैम्प इज ऑफ। अब वो कहता है कि S1 एंड S2 दोनों ही ओपन हो, यानी कि हमारा लॉजिक क्या हो, दोनों जीरो हो, ठीक है। अब उस केस में क्या है, लैम्प ऑफ है। उसके बाद दूसरा केस क्या है, व्हेन S1 इज ओपन बट S2 इज क्लोज द लैम्प इज ऑफ। अब वो कहता है कि एक स्विच ऑन हो दूसरा ऑफ हो तो फिर क्या, लैम्प ऑफ होगा। तीसरा केस भी सेम यही है कि हम पहले को क्लोज कर देते हैं दूसरे को ओपन कर देते हैं तब भी लैम्प ऑफ ही होता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है वो चौथा केस है, जब दोनों स्विचेस S1 एंड S2 क्लोज्ड हों तब उस केस में लैंप ऑन होगा। अच्छा, अब इस सेंटेंस में उसने जो एंड है उसको भी कैपिटल लिखा है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही एंड ऑपरेशन है, इसलिए उसने इस एंड को भी ऑपरेशन वो कैपिटल लिखा है, ठीक है। उसकी वजह यह, क्योंकि ये जो कंडीशन है ना, ये एंड ऑपरेशन की वर्किंग को समझा रही है कि जब दोनों केसेस या जब दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो क्लोज्ड हों या वन स्टेट में, उसी केस में हमारा आउटपुट वन होता है, ठीक है। द फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेज S1 S2 आर शोन इन फिगर टेबल। अब हमने ये क्या, इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए हमने क्या किया, एक टेबल बना लिया। अब उसमें हमने S1 की चारों पॉसिबल कंडीशंस और S2 की चारों पॉसिबल कंडीशंस के किस कौन कौन सी कंडीशन हमारे पास हो सकती है। एक कंडीशन तो ये थी कि दोनों ओपन हो, फिर एक थी कि एक क्लोज हो दूसरा ओपन हो, फिर दूसरे में दूसरा क्लोज पहला ओपन और आखिर में दोनों क्लोज्ड हों। ये सारी की सारी कंडीशंस हमने एक टेबल के थ्रू हमने लिख ली और आउटपुट क्या था, आउटपुट हमने देखा लैम्प। लैम्प अगर ऑन हो जाएगा तो इसका मतलब एक करंट फ्लो कर रहा है, लैम्प ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो जो पहली तीन कंडीशंस हैं इनमें तो लैम्प ऑफ ही था, सिर्फ आखिरी कंडीशन थी जिसमें जब दोनों के दोनों स्विचेस क्लोज थे तभी लैम्प ऑन हुआ था। इसको हमने पूरे को एक टेबल में रिप्रेजेंट कर लिया है। It is clear that when either of the switches S1 or S2 or both are open, the lamp is off. When both switches are closed, the lamp is on. अब इससे हमें पता लगता है कि जब दोनों के दोनों स्विचेज हैं किस केस में ऑन थे और किस केस में ऑफ थे, ठीक है। इससे हमें पता लग गया कि लैंप जो है सिर्फ उस केस में ऑन है जब दोनों के दोनों स्विचेज ऑन है, ठीक है। सिंबल फॉर एंड ऑपरेशन इज डॉट। अब मतलब कि हमने जब लॉजिकल, अब जारी बात है बूलियन अलजेब्रा एक अलजेब्रा की टाइप है, अब अलजेब्रा की टाइप है तो इसका मतलब है कि इसको मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट करना होगा। अब जिस तरह लॉजिकल वेरिएबल्स को हमने एस या S1 और S2 से रिप्रेजेंट किया, उसी तरह लॉजिकल ऑपरेशन को हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब वो कौन सा ऑपरेटर है, वो है एंड ऑपरेशन, ठीक है। इट्स बूलियन एक्सप्रेशन इज दिस। अब बूलियन अलजेब्रा में एक्सप्रेशन सेम टू सेम वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह लिखे जाते हैं, x इज इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है, एंड इज रेड एज ए इक्वल्स ए एंड बी, ठीक है, मतलब कि ए डॉट बी को ए एंड बी रेड रीड करना है, ठीक है। सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। अब वो कहते हैं कि सेट ऑफ इनपुट्स, अब ये ट्रूथ टेबल की डेफिनेशन है जो यहाँ पे उसने लिखी है। ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बूलियन अलजेब्रा में। अब जो भी ऑपरेटर है ना उसको रिप्रेजेंट करना है और उसकी तमाम तर स्टेट्स आपने अगर रिप्रेजेंट करनी हो ना तो आप ट्रुथ टेबल की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। इन बाइनरी लैंग्वेज आइदर वन ऑफ द इनपुट्स और बोथ ऑफ द इनपुट्स आर लो द आउटपुट इज लो, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई द आउटपुट इज हाई। अब उसने एंड ऑपरेशन को वर्ड्स में उसने एक्सप्लेन किया इन दो लाइनों में। उसने कहा कि जब
दोनों में से या कोई सा एक इनपुट भी लो हो तो आउटपुट हमारा लो होगा, और जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे तो उसी केस में हमारा इनपुट हाई होगा। ये एंड ऑपरेशन की लैंग्वेज में या कह रहे हैं डिस्क्रिप्टिव उसकी वो है, डेफिनेशन है, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है। द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेशन इज शोन इन टेबल 16.3। अब वो कहते हैं कि एंड ऑपरेशन है ना उसका ट्रुथ टेबल 16.3 फिगर में शो किया है। अब जो एंड ऑपरेशन है ना इसके हर पॉसिबल कंडीशन को उसने ना एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया है। चार पॉसिबल कंडीशंस हैं फॉर टू वेरिएबल्स। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सिर्फ दो वेरिएबल्स के लिए है, और एंड ऑपरेटर हमेशा दो वेरिएबल्स के लिए ही होता है, ठीक है। एंड ऑपरेटर तीन वेरिएबल के लिए भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो होता कॉम्बिनेशन दो या दो से ज़्यादा एंड ऑपरेटर्स का ही है, ठीक है। अब दो वेरिएबल्स के एंड ऑपरेटर में क्या पॉसिबल कंडीशन है? सेम वही पॉसिबल कंडीशन है कि जब दोनों क्लोज्ड हों, सॉरी दोनों ओपन हो स्विचेस, या एक ओपन हो दूसरा क्लोज हो, या दूसरा क्लोज हो पहला ओपन हो, या दोनों क्लोज्ड हों, ठीक है। और हमने देखा था कि लैंप वाली एग्जांपल से जब दोनों क्लोज्ड होते हैं उसी कंडीशन में ये लैंप ऑन होता है, बाकी सारी कंडीशंस में लैंप ऑफ होता है, ठीक है। अब ट्रुथ टेबल के थ्रू हमने एंड ऑपरेटर की हर पॉसिबल कंडीशन को एक्सप्लेन कर दिया। अब कोई भी बंदा हो उसको ने कभी भी लैंड वो एंड ऑपरेटर यूज़ करना हो तो वो क्या यूज़ करेगा? वो ट्रुथ टेबल उसका यूज़ करेगा, ठीक है। इन टेबल 16.3 वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स द आउटपुट, देयर फॉर एंड ऑपरेशन मे बी रिप्रेजेंटेड बाई स्विचेस कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच स्विच रिप्रेजेंटिंग एन इनपुट। अब वो कहता है कि हमने जो अभी पहले एक्सपेरिमेंट किया स्विचेस के थ्रू, उसमें हमने देखा है कि जो इसके वेरिएबल्स थे वो स्विचेस से रिप्रेजेंट हो रहे थे, ठीक है। स्विचेस मतलब इनपुट्स हो गए उसके, क्योंकि जैसे आप दोनों इनपुट्स को क्लोज कर देते हो तो आपके पास आउटपुट शो होने लग जाता है, ठीक है। व्हेन द टू स्विचेस आर क्लोज दैट द इनपुट्स आर ऑफ द लॉजिक ऑपरेशन आर द इनपुट्स ऑफ द एंड ऑपरेशन आर एट लॉजिक वन, द आउटपुट ऑफ द एंड ऑपरेशन विल बी एट लॉजिक वन। अब वो कहते हैं कि सिर्फ वही कंडीशन है कि जब दोनों स्विचेस क्लोज्ड हों तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? वन आएगा। व्हेन द टू स्विचेस आर ओपन दैट इज द इनपुट्स ऑफ एंड ऑपरेशन एंड आर एट लॉजिक जीरो, द आउटपुट ऑफ एंड ऑपरेशन विल बी एट लॉजिक जीरो। फॉर एनी अदर स्टेट ऑफ टू स्विचेस दैट इज द इनपुट ऑफ एंड ऑपरेशन द आउटपुट विल बी जीरो। अब उसने समझाया है कि दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में क्या है कि जब आउटपुट जीरो होगा तो वो तीन कंडीशंस में होगा, या तो कोई एक लॉजिक ऑपरेट लॉजिक वेरिएबल हमारा जीरो हो या दोनों ही जीरो हो, उस केस में हमारा आउटपुट जीरो होगा। अच्छा, अब ये आ गई है इसकी फिगर, ये एंड गेट की रिप्रेजेंटेशन है ये जो इसने यहाँ पे शो किया। अब इसमें क्या दो इनपुट्स हैं और एक हमारे पास आउटपुट है एक्स, एक्स हमारा आउटपुट वेरिएबल और ये किसके बराबर है? ए एंड बी के बराबर है, ठीक है। अब ए एंड बी का यहाँ पे लिखने का मकसद क्या है कि यहाँ पे एज सच तो वैसे मकसद नहीं है क्योंकि ए एंड बी लिखने है, क्योंकि हमने जब ये फिगर शो कर दिए इसका मतलब है कि एंड ऑपरेशन हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। अब ए और बी इनपुट हैं और आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है? एक्स, जो कि किसके बराबर है? ए डॉट बी के, ठीक है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, और रिप्रेजेंट करना हो मतलब अब आपको ये भी अंदाजा होगा कि अगर हमने सर्किट बनाना हो कोई भी एंड ऑपरेटर का तो हम ये यूज़ करेंगे। द सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स द एंड ऑपरेशन इज नोन एज एंड गेट। अब ये एंड गेट है, ठीक है, मतलब ये एक सर्किट है, डिजिटल सर्किट है जिसमें हम ए बी पे आप इनपुट दे रहे हो, डिजिटल इनपुट दे रहे हो जीरो और वंस की फॉर्म में, और बी पे भी आप जीरो और वंस की फॉर्म में इनपुट दे रहे हो, और हमारे पास आउटपुट भी जीरोज और वंस की फॉर्म में ही आएगा, लेकिन वो किस कंडीशन के थ्रू आएगा? वो एंड कंडीशन के थ्रू आएगा, ठीक है। इट सिंबल इज शोन इन फिगर एंड एंड गेट हैज टू और मोर इनपुट्स एंड ओनली वन आउटपुट, द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एंड गेट इज ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद द ट्रुथ टेबल एंड ऑफ एंड ऑपरेशन। इट मीन्स आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी वन ओनली व्हेन ऑल ऑफ इट्स इनपुट्स आर एट लॉजिक वन एंड फॉर ऑल अदर सिचुएशंस आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी जीरो। अब वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है कि सिर्फ उस वक्त एंड ऑपरेटर का आउटपुट वन होगा या एंड गेट का आउटपुट वन होगा जब दोनों की दोनों इनपुट्स वन होंगी, बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उन पर इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो, ठीक है। ये बस याद रखनी है, और इसमें एज सच कोई सिग्निफिकेंट बात नहीं है। अब आपने जब एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करना है एंड ऑपरेशन को, तो आपने सबसे पहले तो उसका ट्रुथ टेबल बनाना है, क्योंकि ट्रुथ टेबल से आपको भी याद रहेगा कि क्या क्या इसके ऑपरेशन हैं। और दूसरी बात, इसका गेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेट याद रखना है कि गेट के सिंबल क्या है, क्योंकि आगे हमने सर्किट्स बनाने हैं तो उसमें हम देखेंगे कि सर्किट्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, लॉजिकल सर्किट्स या बूलियन अलजेब्रा के सर्किट्स, ठीक है।
अच्छा, अगला टॉपिक है हमारा और ऑपरेशन, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।